माँ शिवरात्रि के इस मौके पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम गर्मियों में भी ठंडक देने वाली ठंडाई। ठंडाई आज हम दो तरह से बनाने वाले हैं। ठंडाई पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। एक हम पाउडर वाली बनाएंगे जिसे आप 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकती हैं, और एक हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट को भिगो के, और फिर जब ड्राई फ्रूट फूल जाएंगे तो उसका पेस्ट बनाएंगे, उससे हम ठंडाई बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ठंडाई बनाने के लिए एक बड़ा सा बाउल लिया है मैंने, और इसमें 2 बड़े चम्मच हम बादाम डाल लेंगे। 2 चम्मच के करीब मैंने काजू लिए हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पिस्ता लिया है। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, इससे बहुत बढ़िया खुशबू आएगी इसमें। 1 चम्मच सौंफ ली है। 5 से 6 मैंने इलायची ली है। 1 बड़ा चम्मच मैंने खरबूजा का बीज यानी कि मेलन सीड लिए हैं। 1 बड़ा चम्मच खसखस यानी कि पॉपी सीड लिए हैं। 7 से 8 मैं यहाँ केसर के धागे डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और कलर भी आ जाएगा। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें सभी चीज़ों को हम डाल लेंगे। अगर आपके पास सूखे गुलाब की पत्तियां हैं तो वो भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा उसमें कलर आएगा और खुशबू भी। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही, तो इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैंने इसका पाउडर अच्छे से बना लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस पाउडर को आप एयर टाइट कंटेनर में भर कर 2 से 3 महीने तक आराम से रख सकते हैं, और जब भी आपका ठंडाई पीने का मन हो तो आप 1 से 2 चम्मच उसमें डालिए और बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी ठंडाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हम ठंडाई बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1/4 कप दूध लिया है, और जो पाउडर हमने बनाया है उसके 3 चम्मच में पाउडर डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। 3 चम्मच पाउडर में मैं 2 गिलास ठंडाई बनाने वाली हूँ। साथ ही साथ 2 चम्मच हम चीनी डाल लेंगे और इसे घोल कर अच्छे से ढक कर आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे ड्राई फ्रूट अच्छे से फूल जाएंगे और इनकी तासीर भी ठंडी हो जाएगी। तो इसे घोल लेते हैं अच्छे से। चीनी अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो जब हमें ठंडाई बनाएंगे आधा घंटे बाद तो तब भी आप उसमें चीनी डाल सकते हैं। देखिए आधा घंटा हो गया है, और देखिए आप देख पा रहे होंगे ये अच्छे से फूल गए हैं। तो अब हम बड़ा सा जार लेंगे और उसमें डाल लेंगे हम इसे, और साथ ही साथ मैं 2 गिलास इसमें दूध डाल रही हूँ। दूध को अच्छे से उबालने के बाद मैंने ठंडा कर लिया है, और ये बिल्कुल ठंडा दूध है। आप चाहें तो यहाँ बर्फ़ भी डाल सकते हैं, और अगर चीनी आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। ये लीजिए ठंडाई एकदम तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और इसमें इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है कि आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। अब इसे हम गार्निश कर लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ, और गर्मियों में ठंडी ठंडी ठंडाई बनकर तैयार है। आप सब इंजॉय कर सकते हैं इस महाशिवरात्रि पर, आप ये ठंडाई बना सकते हैं। और पाउडर अगर आप बना रहे हैं तो उसको आप स्टोर करके भी बहुत दिनों तक रख सकते हैं। तो अब दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो उसमें 2 चम्मच मैंने बादाम लिए हैं, 1 चम्मच काजू डाल रही हूँ, 7 से 8 मैंने काली मिर्च ली हैं, 2 से 3 इलायची, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मैंने यहाँ पिस्ता लिया है, 1 छोटी चम्मच ही मैंने मेलन सीड लिए हैं, और 1 छोटी चम्मच ही मैंने यहाँ पॉपी सीड लिए हैं। सभी चीज़ों को हम भिगो देंगे। 7 से 8 मैंने केसर के धागे लिए हैं, तो अब हम इन्हें भिगो देते हैं। भिगोने से ड्राई फ्रूट अच्छे से फूल जाएंगे। अगर आप इन्हें ठंडे पानी में भिगो रहे हैं तो करीब करीब आप 6 घंटे के लिए इसे भिगो के रख दीजिए। अगर आप गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे 4 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए, ये अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने 6 घंटे के लिए इसे भिगो के रख दिया था, बहुत ही अच्छे से ये फूल गए हैं। अब जो बादाम है इनका हम छिलका निकाल लेंगे, जिसे बिल्कुल अच्छा इनका पेस्ट बन पाएगा।
तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से इनका छिलका निकाल दिया है और पानी भी अलग कर दिया है, क्योंकि पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। अब एक जार लेंगे, उसमें इसे डाल लेंगे और पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट बनाने के लिए 2 से 3 चम्मच हम इसमें दूध डाल लेंगे। आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं। और 6 चम्मच मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि 3 गिलास इसमें आराम से ठंडाई बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपको कम लगे तो आप बाद में डाल लीजिए। ये देखिए मैंने अच्छे से इसे पीस लिया है, बहुत ही अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है और बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रही है। अब बड़े से जार में इसे डाल लेंगे और साथ ही साथ इसमें हम दूध डाल लेते हैं। तो 2 गिलास मैंने यहाँ दूध लिया है, जिसको अच्छे से उबालने के बाद ठंडा कर लिया है। तो 2 गिलास हम इसमें दूध डाल लेते हैं। अगर आपको चीनी कम लगे तो आप यहाँ चीनी डाल सकते हैं, और साथ ही साथ ठंडक के लिए आप इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं। जो भी आपको, जितनी भी बर्फ़ आपको पसंद है, जितना भी ठंडा, तो उसी के अनुसार इसमें बर्फ़ डाल लीजिए। तो बर्फ़ डाल लेते हैं हमें और इसे अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। ये लीजिए, दूसरी तरह की भी ठंडाई बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आपको क्या बताऊं, बहुत ही प्यारी खुशबू है। तो आप दोनों तरह से ठंडाई बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पाउडर वाली बना सकते हैं, जिसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, और ये पेस्ट वाली बना सकते हैं, जिसको आप साथ ही साथ बनाइए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी महाशिवरात्रि।